जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम। आज का मोहन पास सुंदर कांड, शांतम शाश्वतम प्रेम में मनगम निर्माण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु वनिंद से मनीष वेदांत भेदम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुर गुरुम माया मनुष्यम हरियम वंदे करुणाकरम रघुवरम भोपाल चूड़ामणिनम। शांत सनातन अप्रमेय निष्पाप मोक्षरूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले कर्णा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्य सप्रा रघुपते हृदय संदिये सत्यम बदामी च वान खिलांत रात्मा भक्तिम प्रश्च रघुपुंगम निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ, फिर आपके आप सबके अंतरात्मा ही हैं, सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बल दाम दाम हेम शैल लाभ देहम धनुज बन कृषानुम ज्ञानी नाम ग्रंग्यम सकल गुण निदानम बानरान नाम दिशाम रघुपति प्रिय भक्तम भात जातम नमामि। अतुल बल के दाम, सोने के पर्वत के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी बन के लिए अग्नि रूप ज्ञानी में अग्रण ने संपूर्ण गुणों के निदान बनों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय तिबाए तब लगी मोहि परीखेऊ तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए, वे बोले हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आबो सीत ही देखी हुई काज मोहि हर्ष विशेषी ये कही नाई सब नहीं कहूँ माता चलो हर्षी ये दरी रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देख कर लौट ना हूँ काम अवश्य होगा क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। ये कहकर वो सबको मस्तक नवाकर और हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक बूदर सुंदर कौतुक कुदी चढ़े उताऊ पर बार बार रघुवीर संवारी तरकेऊ पवन तने बलवारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था, हनुमान जी खेल से ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जही गिरी चरण जयी हनुमंता चलु सो गा पाताल तुरंता जिमी अमोघ रघु पति करवाना यही बात ही चले वो हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले वह तुरंत ही पाताल में धस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का मोघ बांध चलता है उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत बिचारी तय मैनाक हो श्रम हारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो। हनुमान तय पर सा कर पुनि कीन पर नाम राम का जुकीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय श्री राम मंगल भवन मंगल हारि दबु सुदशरथ अजर बिहारी मेरे प्रभु राम जय श्री राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए मैं बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देव न देखा जान कहूँ बल बुद्धि विशेषा सुरसा नाम अहिन के माता पठिन आई कही तेही बाता। देवताओं ने
पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से ये बात कही। आज सुरनक मोई दीन आरा सुनत बचन कह पवन कुमार राम काज करी फ्री में आवो सीता कही सुधी प्रभु सुनावो। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। ये वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊँ और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूँ। तब तब बदन पे ठेऊँ आई सत्य कहूँ मई जान दिमाई कब नहीं जतन दे नहीं जाना ग्रस ही ग्रससी ना मोही कहूँ हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ना ले। जो जनबरी ते ही बदन पसारा कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा सौरभ जो जन मुख ते ही ठेऊ तुरत पवन सुत बत्तीस बेऊ। उसने जोजन भर मुंह फैलाया तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया तो हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जैसे सुरसा बदन बढ़ावा ता सुदून कपि रूप दिखावा सत योजन ते ही आनन की नाति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती है हनुमान जी उसका दुना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन मुख किया तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पठे पुनी बाहर आवा मागा बिदा ताही सिरु नावा मोहि सुरन ये लागि पठावा बुद्धि बल मर मु तोर में पावा। और वह उसके मुख में घुसकर फिर बाहर निकल आए और फिर उसे सिर नवागा विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारी बुद्धि बल का भेद पा लिया जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निदान आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय श्री राम मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहार मेरे प्रभु राम जय श्री राम। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। ये आशीर्वाद देकर वे चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। बोल सिया पति राम चंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय जय श्री राम।